इस वीडियो में हम स्प्रिंग क्लास 4 के लेसन 3 मैजिक वर्ड्स इस लेसन को अच्छे से समझेंगे, इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे और फिर आगे इसी वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझना शुरू करते हैं इस लेसन को। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ लिखा है, लाइन बाय लाइन हमने इसका हिंदी अनुवाद किया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। द बेल रिंग्स फॉर मॉर्निंग असेंबली, आफ्टर द असेंबली मिठी एंटर्स द क्लासरूम। इसका हिंदी में अर्थ भी लिखा है हमने, सुबह की सभा के लिए घंटी बजती है, सभा के बाद मीठी कक्षा में प्रवेश करती है। आगे क्या होता है इसमें देखते हैं। कबीर कहता है हेलो मीठी, हेलो मीठी। मीठी कहती है हेलो कबीर, हाउ आर यू। मीठी कहती है हेलो कबीर, आप कैसे हो। कबीर कहता है आई एम फाइन थैंक यू। कबीर कहता है मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। फिर आगे कबीर कहता है यस्टरडे आई वॉज अबसेंट, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक। कबीर कहता है कल मैं अनुपस्थित था, मैं स्कूल में विद्यालय नहीं आया था, मेरा काम अधूरा है, मेरा होमवर्क जो है वो पूरा नहीं हो सका, क्या आप मुझे अपनी नोटबुक दे सकती हो। आगे क्या होता है, मीठी कहती है ओ श्योर प्लीज टेक इट, अरे हाँ जरूर कृपया इसे लो। कबीर कहता है थैंक यू मीठी, कबीर कहता है धन्यवाद मीठी। मीठी कहती है वेलकम कबीर, स्वागत है कबीर। आगे क्या होता है, एकता, एकता कहती है एक्सक्यूज मी इज दिस योर बॉक्स मीठी। एकता कहती है माफ़ करना मीठी, क्या यह आपका बॉक्स है, क्या यह तुम्हारा बॉक्स है। मीठी कहती है यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा बॉक्स है, यह मेरा बॉक्स है। आगे क्या होता है, एकता कहती है वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक, क्या आप मुझे कृपया अपनी कहानी की किताब दिखाएंगी या दिखाएंगे। आगे क्या होता है, मीठी कहती है पार्डन, क्षमा करें। पार्डन आप जब बोलते हैं, मान लीजिए मीठी को एकता ने कुछ पूछा है और मीठी को वह सुनाई नहीं पड़ा है, मीठी कहती है कि मुझे सुनाई नहीं पड़ा है, मुझे फिर से बताइए, तो तब पार्डन बोल दिया, पार्डन बोला जाएगा। एकता फिर से कहती है वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक, क्या आप मुझे कृपया अपनी कहानी की किताब दिखाएंगी। मीठी कहती है यस ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल। व्हाट इज़ माई, वेयर इज़ माई पिक्चर बुक एकता। फिर आगे मीठी कहती है मेरी पिक्चर बुक कहाँ है एकता। एकता कहती है आई एम सॉरी आई लेफ्ट एट होम, माफ़ करना मीठी मैं इसे घर पर भूल गई हूँ। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं इसे कल लाकर दे दूँगी। आगे क्या होता है, रवि कहता है यस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक, आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, व्हाट वुड द टीचर से। रवि कहता है कल मुझसे गलती हो गई, आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, जो नया पौधा लगा था मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, उसे जड़ से बाहर निकाल दिया है। रवि कहता है कल मुझसे एक गलती हो गई, जो एक नया पौधा लगा था मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, जड़ से बाहर निकाल दिया है, अपरूट कर दिया है जड़ से। व्हाट वुड द टीचर से, टीचर क्या कहेंगे। मीठी कहती है आवर टीचर इज काइंड, हमारे टीचर हमारे शिक्षक दयालु हैं। इफ़ यू से सॉरी टू हिम ही वुड फॉरगिव यू, अगर आप उनसे माफ़ी मांग लेते हैं तो वो आपको माफ़ कर देंगे। रवि थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी सच ए गुड एडवाइस। रवि मीठी को धन्यवाद देता है, मीठी को कहता है थैंक यू मीठी, धन्यवाद मीठी, मुझे इस तरह की अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर ये इस तरह से इस लेसन का हमने हिंदी में अर्थ देख लिया है, एक तरफ हिंदी में अर्थ लिखा है, एक तरफ इंग्लिश लिखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं और इस लेसन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके एक्सरसाइज को, क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाई डिड कबीर आस्क मीठी फॉर अ नोटबुक।
कबीर मीठी से नोटबुक के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वह कल अब्सेंट था, इसलिए उसका काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वह नोटबुक के लिए पूछता है, बिकॉज ही वॉज अब्सेंट यस्टरडे। आप ये लिख देंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, पिक्चर बुक को लाना कौन भूल गया था? तो आंसर में आप लिखेंगे एकता, एकता भूल गई थी। आगे, व्हाट डिड रवि डू विद अ न्यू सैपलिंग, नए पौधे के साथ रवि ने क्या किया? उसने इसे जड़ से बाहर निकाल दिया था, रवि अपरूटेड इट, रवि ने इसे बाहर निकाल दिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मीठी एडवाइस रवि, मीठी ने रवि को क्या सलाह दी? तो आंसर में आप लिख सकते हैं, टू से सॉरी टू हिज टीचर, अपने टीचर से माफ़ी मांगने के लिए कहा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी, यहाँ पर आपको बताना है, जब आप इस तरह की कोई घटनाएं आपके साथ होती है, इंसिडेंट कोई इस तरह का होता है, तब आप क्या करते हैं? इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम समवन, अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, व्हाट वुड यू से, तो आपको प्लीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? प्लीज़ लगा करके अपनी बात को बोलेंगे। इफ़ समवन सेज थैंक यू टू यू, व्हाट वुड यू से, अगर आपको कोई थैंक यू कहता है तो आप क्या कहेंगे? तो आप आंसर में आप लिखेंगे वेलकम, आप उसको वेलकम कहेंगे। आगे नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इफ़ यू हर्ट समवन व्हाट वुड यू से, अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सॉरी। आगे इफ़ समवन गिव्स यू समथिंग व्हाट वुड यू से, अगर कोई आपको कोई चीज़ दे देता है तो आप क्या कहेंगे? तो आप उसको थैंक यू कहेंगे। आगे इफ़ यू स्नीज इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन व्हाट वुड यू से, अगर आप बातचीत के बीच में ही छींक देते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आप सॉरी कहेंगे। इफ़ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड व्हाट वुड यू से, अगर आप किसी से दोबारा ये पूछना चाहते हैं कि उसने अभी क्या कहा है या आपको ठीक से सुनाई नहीं पड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पार्डन, आप कहेंगे पार्डन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है हमारा वर्ड पावर में। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है, खाली जगह को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला कथन है इसमें, आई कुड नॉट डू माई एज आई वॉज अब्सेंट, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, इसमें आप भरेंगे होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका क्योंकि मैं अब्सेंट था। एक्सक्यूज मी मे आई टेक योर इरेजर, एक्सक्यूज मी आप किसी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए एक्सक्यूज मी कहते हैं, एक्सक्यूज मी क्या मैं आपकी इरेजर को यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसे ले सकता हूँ। आगे देखिए, वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या आप प्लीज़ मुझे अपनी स्टोरी बुक दिखाएंगी, तो आप किसी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं, प्लीज़ का इस्तेमाल कीजिए। फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, अपने डॉक्टर की सलाह को मानिए, जो वो कह रही हैं उसको फॉलो कीजिए। द फ्लड्स अपरूटेड ऑल द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, अपरूटेड मतलब जड़ से उखाड़ देना, बाढ़ ने जंगल के सभी पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया है, ये आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं, इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर आपको शब्दों को आगे पीछे करके दिया हुआ है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है, हमने मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी बुक को अपने सामने रखिए, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमने मीनिंगफुल सेंटेंस को बना दिया है, क्वेश्चन आप अपनी बुक में पहले देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, जो जम्बल्ड वर्ड्स आगे पीछे शब्द दिए गए हैं उनका सही वाक्य हमने बनाया है, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका। आगे देखते हैं, आई लेफ्ट इट एट होम, मैं इसे घर पर भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे एक गलती हो गई है, आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं इसे कल लाऊंगा या कल लाऊंगी, आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, मैंने एक नए पौधे को जड़ से उखाड़ दिया है, मैंने एक नए पौधे को जड़ से उखाड़ दिया है। तो इस तरह से ये हमने जम्बल्ड वर्ड से मीनिंगफुल सेंटेंस को बना दिया है। तो ये हमारा स्प्रिंग क्लास 4 का लेसन 3 मैजिक वर्ड्स, इस लेसन का कंप्लीट सॉल्यूशन है।
हमने हिंदी में इसका अर्थ भी देखा है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो अदर एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, वो भी हमने सॉल्यूशन इनका देख लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।